Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज मैं आपके लिए कोई whiskey का review नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक बहुत ही अलग सी video कर रहा हूँ which is a comparison video. और आज हम लोग compare करेंगे Jameson के editions. Yes, इन तीनों editions का मैं review already कर चुका हूँ. आपको normal Jameson का review भी मैं I button में link में दे दूँगा. उसके पहले मैंने किया था Jameson Caskmates Stout Edition का review, उसका भी मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा. एंड अभी मैंने बहुत रिसेंटली किया था Jameson Black Barrel का review, तो मैं उसका लिंक भी जो है आई बटन में आपको दे दूंगा. हैविंग सेड दैट, आपको पूरी हिस्ट्री Jameson की उसमें मिल जाएगी, अबाउट द एडिशंस दैट दे हैव कम अप विद उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी. देर वुड बी एवरीथिंग इन दोज वीडियोज, सो प्लीज़ गो हैड वॉच दोज वीडियोज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज़ एक लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ पोरिंग इन दैट लव फॉर मी. थैंक यू. हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट ऑन टू द कंपेरिजन वीडियो. तो गाइस, इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल रहेगा इस वीडियो का. आई विल कंपेयर द विस्कीज एज इट इज, इट वुड नॉट बी विद अ डैश ऑफ वाटर एट ऑल, क्योंकि फिर वो जो है वो एक अलग सेगमेंट में चला जाएगा. हम जो है कंपेरिजन कर रहे हैं इन विस्कीज का ऑन द वेरी टेस्ट ऑफ इट एंड प्राइस पॉइंट से. तो चलिए, लेट्स गेट ऑन टू द पोरिंग ऑफ द विस्कीज. सबसे पहले हम पोर करते हैं द बेसिक एडिशन. चलिए, थोड़ा कम डालूंगा मैं आज क्योंकि तीन तीन विस्कीज का रिव्यू करना है मैंने. उसके बाद डालते हैं हम ब्लैक बैरल का. चलिए, and then I'm gonna pour the Jameson Casks Mates Stout Edition. अच्छा, ये नई बॉटल मैंने सोर्स की है, तो चलिए लेट्स पोर इट. तो गाइस, चलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इन बॉटल्स को. Because the real ambrosia lies here. That's Jameson's black barrel. That's the normal Jameson. And that's the Jameson Stout Edition Caskmates. तो चलिए गाइस, तीन हाथ नहीं है. I haven't got three hands. But color wise guys, मुझे ज़्यादा difference लग नहीं रहा है तीनों में. Apart from this, which has got a light golden color to it. Apart from that, ये दोनों ही Jameson Caskmates और Black Barrel दोनों के ही color almost dark golden की तरफ है, almost amberish. तो चलिए start करते हैं हम from the basic edition. चलिए let's go. एक बहुत ही अच्छा फ्रूटीनेस है इसमें, एक हल्का सा नटीनेस है जो कि विस्की में मैं देख पा रहा हूँ. क्वाइट अ बेसिक इजीली पैलेटेबल विस्की फॉर एवरीवन आई वुड से. तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी विस्की है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड मिक्सिंग विस्की. इसको कॉकटेल्स में यूज़ किया जा सकता है बट अगर मैं एफिशनाडोज डेन की रिकमेंडेशन बोलूँगा तो drink it as it is or with a couple of cubes of ice. उसके अलावा yes you can mix it, but
again, you would lose many of the flavors. But yes, according to me, it is a very good whiskey for mixing. So, chale pehle nosing complete kar lete hain sabki. Next, let's get on to the black barrel. Guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एसी का बड़ा भाई है. मतलब देर इज अ बिट ऑफ ओकीनेस दैट हैज़ इवॉल्व्ड इन इट. द अरोमास हैव इवॉल्व्ड इन इट, मे बी बिकॉज ऑफ द डबल चारिंग दैट हैपेंस ऑफ द बैरल. प्लस एक वनिलिन का नोट, एक हल्की सी स्पाइसीनेस जो है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन दिस. वेरी गुड नोज आई वुड से. एज कम्पेयर्ड टू दिस, this is a basic, very palatable kind of a whiskey for everyone. This is a step ahead of that. Almost very palatable for everyone. Some might not like it who do not like aroma of the whiskey. So, unko shayad ye pasand na hai because it is a step ahead. But वैसे I would say it would appeal to the masses. बहुत अच्छी नोज है इसका भी. यस, चलिए लेट्स गेट ऑन टू द स्टाउट एडिशन, द कास्क मेड स्टाउट एडिशन ऑफ जेम्सन. लेट्स गो. सो गाइस, मैं बोलूँगा दिस हैज गॉट अ कंप्लीटली डिफरेंट नोज फ्रॉम दीज टू. वो अरोमास हैं जो होने चाहिए ऑफ जेम्सन. Plus, there is an aroma of chocolate in it, dark chocolate. Wow. तो मैं बोलूंगा guys कि ये जो है ये एक भाई है, ये उसका बड़ा भाई है. I would say this is the cousin of that brother. So, मेरे हिसाब से तीनों ही whiskey अपने आप में बहुत अच्छी हैं. कंपेरिजन हो नहीं सकता इन विस्कीज़ का, बट स्टिल आई मेक एन अटेम्प्ट टू कंपेयर दीज विस्कीज. दिस हैज़ गॉट अ वेरी गुड नोज. आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड, बिकॉज ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दैट हैज़ गॉन इन टू मेकिंग दिस विस्की, आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड ड्रिंक इट एज इट इज़ और विथ अ कपल ऑफ आइस क्यूब्स. वेरी गुड विस्की टू बी ड्रंक एज इट इज. This whiskey on the other hand has a completely different experience. ठीक है, इसको आप definitely use कर सकते हैं with cocktails, but इन दोनों को मैं definitely recommend नहीं करूँगा to use it with cocktails. बहुत ही different nose है इसका as compared to the others. इसमें अलग ही aromas हैं, fruitiness है of course, but there is that chocolatey notes that I can get from this. बहुत बहुत अलग सा नोज है इसका. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. लेट्स सी कि क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. चलिए लेट्स गो द बेसिक वन फर्स्ट. अ स्वीट पैलेट, हल्की सी सीरियल kind of maltiness hai isme, but moreover it's on the fruity side of things. Ek bahut hi acha flavor hai, easily palatable, and I have been keeping on saying this ki ek bahut hi acha sa easily palatable taste hai iska. Fruitiness, very good, very good. I would say let's get on to the second taste. Let's see ki kuch miss to nahi kiya maine. That's pretty much it. I mean, बहुत ज़्यादा complex नहीं है, बहुत ज़्यादा simple भी नहीं है. एक अच्छी whiskey है, good for beginners. मेरे हिसाब से I would recommend for every beginner to go in for a Jameson, triple distilled simple whiskey. Good whiskey indeed. I like it. चलिए let's get on to the black barrel and let's see कि क्या flavor है इसका. चलिए
this is definitely a step ahead from the basic one. I have said this previously, I would say it again. इसका फ्लेवर और एनहांस कर दिया जाए तो इसका फ्लेवर बन जाएगा. लाइक फ्रूटीनेस, ओकीनेस प्रॉम्प्ट है इस पे, दैट वुडीनेस, हल्का सा सिट्रिक नोट भी है इसमें. आई कैन गेट द वनिलन आउट ऑफ इट. स्पाइसीनेस हल्की सी है. इट इज़ अ वेरी गुड पैलेट आई वुड से. कैन बी ड्रंक बाय बिगिनर्स बट सम ऑफ देम माइट नॉट लाइक इट फॉर अ मेयर रीज़न, क्योंकि बिगिनर्स को ज़्यादा विस्कीज़ नहीं पसंद आती जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं. बट वैसे इट वुड डेफिनेटली अपील टू द मासेस. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. अच्छा स्वीट पैलेट है, बहुत ही अच्छा पैलेट है. इनफैक्ट अ बिट मोर रिफाइंड देन व्हाट दिस इज. आई वुड से इफ दिस इज गुड दिस इज बेटर. दो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट विस्कीज. आई एम नॉट सेइंग कि जो ये पी रहा है वो ये पीना शुरू कर दे. ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पैलेट एंड डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर. बट मेरे रिकमेंडेशन में इफ आई गो बाय माय टेस्ट, मैं एनी गिवन डे इफ आई हैव टू गो बिटवीन जेम्सन ट्रिपल डिस्टिल्ड एंड जेम्सन ब्लैक बैरल, आई गो फॉर जेम्सन ब्लैक बैरल. चलिए लेट्स गेट ऑन टू जेम्सन कास्कमेट्स स्टाउट एडिशन एंड लेट्स सी कि इस पे क्या असर है. चलिए लेट्स गेट ऑन टू जेम्सन कास्कमेट्स एंड लेट्स सी कि इस पे क्या असर है. चलिए लेट्स गो. एक मॉल्टी फ्लेवर है इसमें, हल्की सी फ्रूटीनेस है और हल्के से वो चॉकलेटी नोट्स हैं जो आ रहे हैं निखर के इसमें, जो कि मुझे अभी तक दोनों जेम्सन में बिल्कुल नहीं आए थे. इसमें एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही पैलेट है इसका. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट. बहुत ही अच्छी विस्की मेरे हिसाब से. अगेन एक अलग ही वो है इसका टेस्ट. मैं कंपेयर नहीं कर सकता विद एनी वन ऑफ दीज. सो अगर मैं कीपिंग इन माइंड द प्राइस एज वेल एज द फ्लेवर, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर कास्कमेट्स नंबर वन. नंबर टू आई वुड गो फॉर द ट्रिपल डिस्टिल्ड, keeping in mind that there is price involved as well. But if in case I remove the price thing at all, the on the flavor profile I'll definitely go for Caskmates, then Black Barrel and then Triple Distilled. तो अगर मैं aficionado's recommendation की बात करूँ तो if in case we involve the price, my first choice would be Caskmates. My second choice would be Triple Distilled and my third choice would be Black Barrel. अगर मैं price बिल्कुल ही remove कर देता हूँ then my first choice would be Caskmates, second choice would be Black Barrel and the third choice would be Triple Distilled. Having said that, as we say in aficionado's den, drink responsibly, do not drink and drive. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और भी videos देखें, enjoy करें. Whiskies बहुत अच्छी हैं. So please, please, please drink responsibly so that you can drink for a longer period of time. And as we say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.